फ्रेंड जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं मिक्स अचार बनाऊंगी। सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में आसानी से सब्जियां मिल जाती हैं, गोभी, मूली, गाजर, तो मैं मिक्स अचार बनाऊंगी। और अचार अक्सर थाली का जायका बढ़ाता है। अगर सब्जी कोई कमी हो या कहीं ले जाना हो परांठे को, सब्जी को, तो आप अचार के साथ ले जा सकते हैं और ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज मिक्स अचार बनाया। मिक्स अचार बनाने के लिए हमने दो गाजर लिए और दो मूली लिए हैं। इसको हमने घिस करके साफ कर लिया है धो करके। और ये गोभी लिए छोटा, इसको हमने छोटा छोटा फूल इसके काट लिए हैं। एक कप ये मटर दाना लिया है और अदरक लिया है हमने, इसको हमने धो करके साफ कर लिया है। इसको हम घिसेंगे। और ये हरी मिर्चें हैं जिसको हम छोटा छोटा काट लेंगे। आप किसी भी साइज में काट सकते हैं, लंबा भी काट सकते हैं। मैं गाजर के, मूली के इसके टुकड़े कर लेती दोनों के। इस तरीके से हम दो दो इंच के करीब काट लेंगे और इनको पतला पतला इस तरीके से लंबी साइज में काट लेंगे। इस तरीके से सारी मूली काट ली है, इनको हम प्याले में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से गाजर के भी हम पीस कर लेंगे। इस तरीके से इतना बड़ा बड़ा पीस ले लेंगे और पतला पतला। अगर ये बीच का पार्ट यदि हार्ड हो गाजर का, तो उसको निकाल सकते हैं। इसका मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो मैं इस तरीके से इसको साइड से छील करके निकाल लूंगी। इस बीच के भाग को हटा दूंगी। कैसे मैंने गाजर काट ली है और इसमें रख लेती हूँ। हरी मिर्च के इस तरीके से मैं पतले पतले पीस कर लूंगी। आप अपने साइज से गोल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से हरी मिर्च के इस तरीके से टुकड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने इनको डंठल का हटा दिया है। मैं इनको बॉईल करूंगी सारी सब्जियों को। और मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए। पानी गर्म होने लगा है, जब ये बॉईल हो जाएगा तब मैं इनको सब्जियों को इसमें डालूंगी। हमारा पानी बॉईल हो गया है। अब हम ये गाजर, मूली, गोभी और मटर, इन चारों को इसमें उबलने के लिए रख देंगे। हम केवल 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम इसको ढक कर के रख देंगे। खोलते हुए पानी में 2 मिनट ही पकाया है इसको। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे और गैस को बंद कर देते हैं। उसके बाद हम इसे छानेंगे। करीब हम पंखे में इसको सुखा लेंगे। हमें केवल इसका जो पानी है उसको दूर करना है। और हमारी सब्जियां हल्के से पक गई है, बहुत ज्यादा। तो अब फिर उसके बाद हम इसका अचार बनाएंगे। मैं इन्हें सुखाने ले जा रही हूँ। अगर आप इन्हें कॉटन के कपड़े पे भी रख सकते हैं, मैं ट्रे में ले जा रही हूँ। 2-3 घंटे करीब हो गए, हमारी सब्जियां एकदम से सूख गई हैं, देखिए। और इनमें पानी अब नहीं है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। मिक्स अचार बनाने के लिए मैंने सौंफ लिया है, इसको मैंने दरदरा पीस लिया है। और ये धनिया पाउडर है, ये नमक है, नमक मैंने 2 चम्मच करीब लिया है। आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। वैसे मैंने हरी मिर्च भी डाली हुई है इसमें, और स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, जिससे इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही अच्छे आएंगे। ये राई दाना है जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है। इसमें 2 पिंच हींग है जिसको मैं यूज करूंगी। ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल में अचार बहुत अच्छा लगता है, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये मैंने 2 चम्मच करीब लिया है, बड़ा चम्मच। और ये व्हाइट विनेगर है, आप कोई सा भी सिरका ले सकते हैं। इससे अचार खराब भी नहीं होता और थोड़ा सा खटासपन भी आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये 8-10 कलियां लहसुन की है। और इसको आप यदि लहसुन खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इससे अचार बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगी।
मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है, अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, उसके बाद हम मसाले डालेंगे। यदि हम तेज गर्म में मसाले डाल देंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे, इसलिए हम इसको ठंडा होने देते हैं। तो हमने इसलिए ठंडा किया था, तेज तेल में हमारे मसाले जल जाते। अब हमारा तेल टेम्परेचर नॉर्मल है इसका। अब हम इसमें लहसुन डालते हैं और लहसुन के बाद अदरक डालते हैं। हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, हींग हम बाद में यूज करेंगे, नहीं तो हमारी हींग का जो फ्लेवर है, खुशबू है, वो थोड़ी कम हो जाती है, हम बाद में डालेंगे। ये सौंफ पाउडर है, 2 चम्मच करीब लिए है मैंने। धनिया पाउडर, ये राई पाउडर है और लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्च को आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर स्पाइसी आप चाहते हैं तो 2 चम्मच ले सकते हैं। मेरे करीब 1 किलो करीब मेरी सब्जी आए। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, 1.5 चम्मच करीब नमक लिया है मैंने। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सारी सब्जियों को मिला देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे सब्जियों को। हमारा जो सब्जियां हैं, सारी सब्जियां अच्छी तरह से मिल गई है। और मैं इसमें अब 1 चम्मच का मिलाऊंगी, इससे हमारा अचार खराब नहीं होगा और ये करीब 1-2 महीने तक रख करके हम खा सकते हैं। मिला लेते हैं, हमारा अचार बनकर तैयार है। और मैं इसे कांच की शीशी में निकाल लेती हूँ जार में। मिक्स वेज अचार बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छा बना है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में भी उतना ही सुंदर होगा ये। तो आप इस तरीके से मिक्स वेज अचार बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।